Hey guys, what's up? I'm back again with a new vlog. और आज का टारगेट है सिन नंबर लेना. अब मुझे यहाँ पे आए 3 से 4 दिन हो गए शायद, ठीक है. तो अब सिन नंबर ले लेना चाहिए, और स्कॉशिया बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवा लेना चाहिए. अदरवाइज़ पता नहीं, पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना. अभी घर भी ढूंढना है मुझे. और आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो लोग भी फ्री होंगे जो अपना अभी पुराने स्टूडेंट्स से जिनसे बातचीत हो रही है, ठीक है. तो अभी वहाँ भी जाना है, तो चलो फिर इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं. स्कॉशिया कह रहा हूँ मैं, सिन नंबर से. पासपोर्ट ले लिया है, कोविड का रिजल्ट भी मेरा आ गया है. अब चलते हैं. सो अब मैं पूरी तरीके से पैक हो गया हूँ, ठीक है. ये विंटर जैकेट मैंने ली थी, कल ही ली है मैंने. ये कुछ मुझे पड़ी है $89 की, -30 to -40 तक से ये जा सकती है. एंड इट इज़ रियली वेरी नाइस जैकेट. एक स्टोर था वो बंद हो रहा था, इंटरनेशनल करके नाम था उसको, वो बंद हो रहा था. तो वो अभी अपना सामान निकाल रहे थे. वो मैन हाथ जम रहे. और ये मैंने ग्लव्स जो उनसे हैं डिकैथलॉन से, इंडिया से लिए थे मैंने, सस्ते पड़े थे मुझे वहाँ पे, बट यहाँ पे लेने में महंगे हैं, ठीक है. और अभी बर्फ़ डली है बहुत तगड़े से, -18 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है. ओह मैन, इट इज़ रियली कोल्ड. दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग. ओके, वेयर्स माय ग्लव. ला, ग्लव ही डिग गया मेरा. ओए होए, ओ पोतिया. ओके, सो दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग. बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी, ऐसा लगता है कासल खड़ा है यहाँ पे. ओह, एंड दिस इज़ अ डाउन टाउन. सॉरी फॉर फोन शेकिंग, मैं अपना गिम्बल नहीं लाया अपने साथ. गिम्बल लाना चाहिए था, ठीक है. वाह, अच्छा यार, वेरी नाइस. स्नो कितनी डली हुई है, पता नहीं कैमरे में आपको दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, बट पहाड़ खड़ा पूरा स्नो का यहाँ पे. एनीवेज, ओह सबवे यार, मेरे को दो चीज़ें और ट्राई करनी है. पुतिन खा के देख लिया, पुतिन पुटीन जो भी कहते हैं मैंने. उसके बाद फ्रेंच वनीला ट्राई कर ली. अभी एक चिपोकले ट्राई करना है यहाँ पे, और कहते हैं सबवे भी बड़ा गजब होता है, तो वो भी ट्राई करना है. और ये हम आ गए हैं सर्विस कैनेडा, और लाइन कुछ ज़्यादा लंबी है नहीं. अपॉइंटमेंट हमने लिया नहीं था, सो उम्मीद करते हैं सिन नंबर आज हमारा बन जाएगा. लेट्स सी. ओके, सो अभी सर्विस कैनेडा से बाहर निकल आया हूँ. लाइन ने तो बहुत टाइम लगा दिया, बट जैसे अंदर गया तो पता चला कि मैं सिर्फ पासपोर्ट लेकर आया हूँ, और साथ में मुझे अपना परमिट भी चाहिए था. तो मुझ नादान परिंदे को मालूम नहीं था कि परमिट भी लाना है. सो अब क्या कर? अब इन्होंने अपॉइंटमेंट मेरी बुक करा दी है मंडे की, तो अब मंडे को आऊँगा दोबारा से. सो लेट्स सी. और ये यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग के आसपास कुछ टनल्स निकाली हुई हैं, कि अगर आपने अंदर ही अंदर घूमना हो तो घूम सकते हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. सर्विस कैनेडा से आप अगर निकलोगे तो आप फूड कोर्ट की तरफ जा सकते हो, फिर मार्केट है, फिर मार्केट से मतलब डाउनटाउन के अंदर बिना बाहर निकले इधर से उधर जा सकते हो. आपको ज़्यादा स्नो का इनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं है. तो साथ में शॉप्स मिल जाएंगी, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं बीच में. अगर आपको बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करना, जैसे अगर सामने देख सकते हो एक और पाइपलाइन जा रही है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, सो यू कैन मूव वेयर एवर यू वॉन्ट. ओके, सो आई एम पैक्ड अगेन. और अब जैसे कल सर्विस कैनेडा में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैं अपना परमिट नहीं लेकर गया था, उसकी वजह से मैं अपना सिन नंबर नहीं क्रिएट कर पाया. बट अब मंडे की मेरे पास अपॉइंटमेंट पड़ी हुई है, तो फिर आज सैटरडे है, सो सोच रहा हूँ कि वॉलमार्ट हुआ हूँ, ठीक है. और वॉलमार्ट से थोड़ा राशन पानी लेकर आएँ. तो आज मैं अपना फर्स्ट बस ट्रैवल करने वाला हूँ, और बस ट्रैवल के लिए कुछ ऐसे से टिकट्स मिलती हैं. तो ये वन टाइम ट्रैवल के लिए होती है एक टिकट. टोटल मेरे पास अब 4 पड़ी हुई हैं, ठीक है. और कुछ $3 अप्रॉक्सीमेटली $3 का पर ट्रैवल होता है एक राइड. और इसको आप आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अगर आपने दो बसेस चेंज करनी है, ठीक है. और ड्रग मार्ट करके है एक शॉप, वहाँ से ये टिकट्स मिल जाती हैं. और अगर नहीं है टिकट्स तो आप बस में कैश भी डाल सकते हो, कॉइन्स जो उनसे हैं वो आप उसमें डाल सकते हो, तो अपनी राइड पूरी कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज. तो चलिए फिर अब चलते हैं, और आपको भी वॉलमार्ट लेके चलते हैं. और आज टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, -21 डिग्री सेल्सियस है, बट सूरज निकला हुआ तो इतनी ठंड नहीं लगेगी जैसे कल हुआ था. सो लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है. स्टे कनेक्टेड. और अगर हम बात करें शूज़ की, तो विंटर शूज़ की कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती. क्यों? अपना ये है ना, क्या कहते हैं, वुडलैंड के जूते, ये मोर देन इनफ है, सफिशियंट है, ठीक है. तो क्या तो एक विंटर सॉक्स ले लो, और साथ में एक नॉर्मल सॉक्स, और अपने ये वुडलैंड के जूते डाल लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. जब तक चलते जा रहे हो तब तक
दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप खड़े हो कहीं पे और -20 तक का टेम्परेचर है तो थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाता है कि ठंड लग रही है, बट अभी तक मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं है जब तक मैंने ग्लव्स डाले हुए हैं और ये कैप जो उनसे ऊपर ये चढ़ाई हुई है तब तक आई कैन वॉक एज मच आई कैन। ऑल ओवर जो रिव्यू है विनीपेग के विंटर्स का पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं है कि मरने वाली हालत हो रखी है यहाँ पे। ठीक, तो चलो फिर अभी बस स्टैंड आ गया मेरा, वहाँ से मुझे 21 नंबर बस पकड़नी है वॉलमार्ट के लिए, तो अभी बस में बैठ के आगे का व्लॉग बनाते हैं। एंड विनीपेग बसेस में मुझे एक खास चीज़ लगी, यहाँ पे वुमेन और मेन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है। जैसे अबू धाबी की बसेस में आगे की तरफ वुमेन्स बैठती हैं और पीछे की तरफ मेन, और अगर मेन वुमेन के कंपार्टमेंट बैठ जाए तो उनका फ़ाइन लगता है अच्छा खासा, करीब 400 दिरहम का, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इक्वालिटी है, वुमेन कहीं पर बैठ सकती है, मेन कहीं पर बैठ सकता है, विच इज़ वेरी गुड। अरे यार एक सिचुएशन में फंस गए, घर से निकले थे मैप को देख के, देखा 21 नंबर बस है तो 21 आई, चढ़ गए, बट दैट डजंट मीन कि 21 नंबर बस मुझे वहीं लेके जाएगी जहाँ मुझे जाना है, क्योंकि 21 नंबर की 3 अलग अलग रूट्स हैं, एक जो सीधा जाती है, एक जो राइट जाती है और एक जो लेफ्ट जाती है। सो नाम ऐसे रखें 21 वेस्ट, 21 ईस्ट और 21 चर्चिल, और मैं 21 ईस्ट पर बैठ गया जबकि मेरे को 21 चर्चिल में बैठना चाहिए था, और उसकी वजह से मैं एक बहुत ही अनजान सी जगह पर आ गया हूँ, ठीक है, घरों के बीच में। अब बस ड्राइवर कह रहा है कि मेरे को मेन रोड पे छोड़ देगा और वहाँ से मेरे को दूसरी बस पकड़ के फिर वॉलमार्ट की तरफ जाना होगा, एंड फंस गए। मतलब वो भाई साहब ड्राइवर बैठे हुए हैं, ठीक है, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज टाइम, एंड पूरी बस खाली है। दिस हैपन्स व्हेन यू टेक रॉन्ग रूट, और ये सिर्फ बाहर बर्फ ही बर्फ है। कहते हैं ना वन रॉन्ग टर्न कैन मेक यू वॉक लाइक हेल, मेरे साथ वही हो रहा है। और मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो भले आदमी ने मुझे कई साल पहले शायद बात बोली थी कि कनाडा में यहाँ की सर्दी और बर्फ़ ये नहीं मारती, कनाडा में यहाँ के हवा मारती है। तो सामान सारा आ गया है और ये सामान है, ठीक है, फुल पैक, और ये कैप ली है वहीं पे, मैंने चेंज कर ली थी, बाहर बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैंने व्लॉग की शुरुआत में बोला था कि ये ग्लव्स जो उनसे हैं पतले वाले ये काम चल जाएगा -20 में भी, ना भाई ना, गलती है मेरी, वैम था मेरा वैम, ये ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं जो आज मैं ले जाना रह गया था। कैसे मैंने आज का वक्त निकाला मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। ओहो चलो अब ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं अपना सामान जो सा सारा सेट करता हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी सी चपकी मारते हैं। ओके ठीक है, सो अगर आपको मेरे ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और व्लॉग्स बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखिए ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बाय बाय।